नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक नायक। आज का इतिहास में आज 17 अगस्त की कुछ खास विशेषताएं हैं, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। आज इन प्रमुख घटनाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है मदन लाल ढींगरा स्मृति दिवस। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अनगिनत क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए, देश आजाद हुआ। बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है। अगर आप कह सकते हैं तो मदन लाल ढींगरा उनमें से ही एक नाम है। मात्र 26 वर्ष की आयु में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। वो हंसते हंसते अपने देश पर कुर्बान हो गए। आज भी 17 अगस्त है और आज ही की तारीख थी सन 1909 की, जब मदन लाल ढींगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज का दिन समर्पित करते हैं ऐसे ही एक क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को। भले ही मदन लाल ढींगरा के परिवार में कोई राष्ट्रभक्ति की कोई परंपरा नहीं थी, मगर मदन लाल ढींगरा अपने क्रांतिकारी विचारों से पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंग गए थे। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में ब्रिटिश शासन में पंजाब प्रांत के अमृतसर में हुआ था। एक संपन्न हिंदू परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता दित्ता मल जी सिविल सर्जन थे और हैरानी की बात यह है कि ये पूरी तरह से अंग्रेजों के रंग में रंगे हुए थे। इनकी माताजी बहुत ही सरल स्वभाव की धार्मिक महिला थीं। इनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र भी था। एक वाकया हुआ, जब ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब मदन लाल ढींगरा को क्रांतिकारियों के साथ देने और क्रांति में अपने स्थान रखने की वजह से इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। तब इनके परिवार ने इनसे नाता तोड़ लिया और उस परिस्थिति में मदन लाल ढींगरा को पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चलाकर तांगे वाले के रूप में और फिर अंत में कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करते हुए इन्होंने श्रमिकों के जीवन को सुधारने के लिए श्रमिक यूनियन संघ की स्थापना करने की कोशिश भी की, किंतु वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया। फिर कुछ दिन इन्होंने मुंबई में काम किया और फिर अपने बड़े भाई के कहने पर 1906 में ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां मदन लाल ढींगरा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिकी अभियांत्रिकी में प्रवेश ले लिया। विदेश में जो खर्चा था उस खर्चे को वहन करने के लिए इनके बड़े भाई ने तो सहायता दी ही थी, मगर वहां इंग्लैंड में रह रहे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी इन्हें अपनी सहायता प्रदान की और इस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में जारी रखी। क्रांतिकारी खून इनके रगों में दौड़ रहा था, लिहाजा लंदन में वीर दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आई। ये लोग मदन लाल ढींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वीर सावरकर ने ही मदन लाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य भी बनाया और वहीं पर इन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनैतिक क्रियाकलापों का केंद्र माना जाता था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने पर बहुत ही आक्रोश में थे। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इन्हीं घटनाओं ने सावरकर और ढींगरा को सीधे बदला लेने के लिए विवश कर दिया। मदन लाल ढींगरा को अभी इंग्लैंड गए 3 बरस भी नहीं हुए थे कि 1 जुलाई 1909 को हुए इंडियन एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। वहां जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हट कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल में प्रवेश करते हैं, ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी। इनमें से 4 सही निशाने पर लगी। इसके बाद ढींगरा ने स्वयं को गोली मारनी चाही, मगर उन्हें पकड़ लिया गया, वे ऐसा नहीं कर पाए। इस घटना के बाद उन्हें कैद किया गया, उन पर अभियोग चलाए गए और 23 जुलाई सन 1909 को पुराने बेली कोर्ट ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया और 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंट विले में उन्हें फांसी पर लटकाकर उनके जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। मदन लाल ढींगरा ने खुले शब्दों में अदालत में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। यह घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ एक प्रथम घटनाओं में से महत्वपूर्ण है। मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों ने ही कहीं ना कहीं देश को आजादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हम ऐसे नामों को भूल चुके हैं,
मगर ऐसे नामों को हमारी पीढ़ियों को जानना भी चाहिए और ऐसे नामों से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। मदनलाल डिंगरा के सम्मान में एक स्मारक बना है जो अजमेर के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। ये स्मारक उनकी याद दिलाता है उनके बलिदान की, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान को जिंदा रखता है। उनके सम्मान में 1992 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। ये कुछ कदम ऐसे क्रांति वीरों के सम्मान में बहुत ही बौने साबित होते हैं। मगर हाँ, मातृभूमि में ये क्रांतिवीर अपने बलिदानों को इसलिए नहीं दिए कि उन्हें याद किया जाए। सच्चाई ये है कि ये अपनी मातृभूमि को कहीं ना कहीं स्वतंत्र देखना चाहते थे। इन क्रांतिवीरों ने ऐसी आग लगाई कि दुश्मन जलकर खाक हो गए और आज हम स्वतंत्र भारत में आजादी वाले सुकून के सांस ले रहे हैं। इन क्रांतिवीरों के शहादत को ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। आज के दिन 17 अगस्त को उत्कर्ष पत्रिका मदन लाल ढींगरा के शहादत दिवस को समर्पित करता है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे कल आज के इतिहास में। आप देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।